गाइस हम फिलहाल अभी हैं निधि वन में, जहाँ कृष्ण जी और भीड़ है देखो प्रेम मंदिर में। देखो ये प्रेम मंदिर भीड़ देखो, अंदर आ गए हम, अब अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या देखने का, क्या क्या दर्शन करने का। भीड़ तो जबरदस्त है यहाँ तो, अब आगे चलते हैं। तो मैं अपने राम जी क्या हाल, आपका फिर से स्वागत है नए व्लॉग में। तो गाइस हम उठ चुके हैं, उठ के नहा धो फिर हैं और भाई नहा के पूजा कर रहे हैं। मैंने पूजा वूजा कर ली और तो पीछे मंदिर आप भी दर्शन कर लो भाई। तो बात ऐसी आज अभी यहाँ हम जहाँ आश्रम में रुके हुए हैं यहाँ से अभी थोड़ा कुछ प्रोग्राम है सुहामणि वगैरह का, तो उसको यहाँ से फिर होके फिर हम यहाँ से निकलेंगे वृंदावन के लिए। तो अभी तो फिलहाल सब नहा धो के रेडी हैं, सब तैयार व्यार हो रहे, फिर हम निकलेंगे यहाँ से 12 बजे समथिंग वृंदावन। तो आज पूरा वृंदावन घूमेंगे आज, तो आपको दिखाते हैं आज। चलो भाई दिल्ली को लग निकलो आ लिया है, देखिए भाई एक बार, भाई का देखियो मेरा देखो, मैं मोनू को देखियो एक बार और मेरा देखो, सोनू कौन लग रहा है ये जरूर बताइए भाई कमेंट में। कौन सोनू चल रहा हूँ साउथ सिस्टम तो, अरे भाई अलवर यादव जीत गए ना, सिस्टम रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा ना। तो भाई अलवर यादव भाई जीत चुके हैं भाई, तो भाई को बड़े बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलो फिर हमने वृंदावन में एंट्री ले ली भाई फाइनली। गाइज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन भाई, बहुत देर का इंतजार के बाद हम पहुंचे हैं वृंदावन। अभी फिलहाल हमने गाड़ी यहां पार्क की है, अभी हम एक आश्रम में जाएंगे अभी पहले, वहां से फिर उसके बाद जो भी होगा हमारा घूमने का वो जाएंगे। सबसे पहले निधिवन जाएंगे और फिर क्या बोलते हैं भाई फिर वाके बिहारी जी मंदिर जाएंगे और ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ गाड़ी पार्क की है, यहाँ से निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। चलो निकला फटाफट हो गया था, हमने जैसे यहाँ आए थे हमारा हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, तो हमारा एक चालान तो जरूर कटवा लिया हमने 3,000 का। जैसे हमने एंट्री ली थी वृंदावन प्रेम मंदिर के पास, पुलिस रहती है भाई थोड़ा ध्यान से ना, तुरंत चालान पाट दिया था, वो ऑनलाइन कर दिया, बाद में भरना पड़ेगा। अभी हम सब यहाँ ई रिक्शा की बात कर रहे हैं, हम 3 गाड़ी लेके आए, 3 गाड़ी हमने लगा दी है, एक इधर एक पीछे, तीनों लगा दिए। अभी हम ई रिक्शा में जाएंगे, सबसे पहले निधि वन जाएंगे क्योंकि वो बंद हो जाएगा। चलो बाबा एक बार बता दो, ऑनलाइन बाबा बाबा ने ये लगाया, बाबा मैं बोल बाबा कैश नहीं, बाबा के पास ऑनलाइन है बाबा। अरे अरे बाबा समझ रहा हूं ऑनलाइन है, ऑनलाइन आने लग गए भाई आजकल बाबा तुरंत। तो राधे राधे नंबर नंबर बताओ, पेटीएम नंबर तो बताओ, पेटीएम नंबर बता दो, नहीं ना पेटीएम है, आनंद लाने वाले लोग हैं हम तो, पैसे वाली कोई। चलो भाई चलो चलो सब लगवा के रेडी हो गए, मोनू लगवा लिया, आनंद वाले लोग ठीक है सब लगवा लिया भाई, आनंद वाले लोग। जैसे कि आपके ये यहां पे बनाने की गाड़ी बताओ, ये ऑनलाइन और एक 5 का सिक्का नहीं लेते, ऑनलाइन ले लेंगे कैश, आपके सिक्का नहीं लेंगे। चलो आ जाओ, चलो भाई जाते हैं, आ जाओ भैया कपड़े पहन के बनियान पहन जा रहे थे, बने अभी इनको बनियान में नहीं जाया जाएगा अंदर, तो ये कपड़े चेंज कर रहे हैं भाई। छोरा की बॉडी तगड़ी है, ठीक है देख दाख लियो भाई, तो छोरी हो इसके लायक तो देख लियो भाई, पसंद पसंद करने वाली मैसेज कर लियो, राजीव टोकस नाम छोरे की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, कपड़ा बदल रहे भाई। चलो भाई जल्दी कर रहे हो, चलो 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 कहाँ शाम मिला दे, ये टीम है भाई हमारी पूरी देखो। आप टीम है भाई मारियो, पीछे नहीं वाली टीम, पीछे करेंगे नहीं भाई पीछे अलोरा है।
अरे इसमें चल चलेंगे और आधे ट्रक को मारा हम मिला दे हम मिला दे बंदर फोन देखो गाइस निधि वन भाई जूते चप्पल निकाल जाते हैं और भीड़ देखो भाई यहाँ तो भाई देख लो इतनी भयंकर भीड़ है भाई निधि वन में और ये आपके जाड़ के अंदर ही जाना होगा और ये निधि वन है और ये भीड़ चल रही है भाई आप इसी जाड़ के अंदर जाना होगा निधि वन में घूमने आएंगे तो आप ऐसे भाई एक मंदिर है निधि वन के बीच में इसके लिए सारी भीड़ लगी हुई थी बस भाई हम फिलहाल अभी हैं निधि वन में चांद कृष्ण जी और निधि वन के दर्शन करके आ चुके हैं बहुत भीड़ से बहुत परेशानी से अभी यहाँ लस्सी पीने के लिए बैठे थे एक तो पी लिया अभी एक और तैयारी चल रही है तो पी के फिर करेंगे हम बाकी बिहारी जी के दर्शन बहुत जबरदस्त भीड़ है उसमें अब उसके बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे यहाँ से लस्सी पीने के बाद जस्ट भीड़ है बहुत ज़्यादा यहीं यहाँ पास नहीं है बट भीड़ बहुत ज़्यादा है जाके बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे मलाई के चक्कर में लड़ाई चल रही है देखो मलाई ये मलाई नहीं पीता भाई भैया पिए हैं अंकित पीजा अंकित की चौथी लस्सी है बिल्कुल निश्चित रहो हाँ अंकित बैठा जाता है टेंशन है अरे राजीव ने दो यार ना पियो चलो ठीक भाई वहाँ के बिहारी जी पहुँच चुके हैं बारिश आ गई बस भयंकर भीड़ से निकले अभी बारिश आ रही है जबरदस्त दर्शन करेंगे अभी फाइनली हम वाकई बिहारी जी के दर्शन करके आ गए भाई इतनी भीड़ थी इतनी थी मैंने मेरी जिंदगी में आज तक किसी टेंपल में हिंदू टेंपल में या किसी भी धर्म के टेंपल में इतनी भीड़ नहीं देखी एक तो ऊपर से बारिश आ गई हालत ख़राब हो गई सबके फ़ोन भीज रहे जूते चप्पल हालत ख़राब ऊपर ज़बरदस्त बारिश पानी की भर गया तो बड़ी मुश्किल इतनी भीड़ थी यार इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कोई बच्चे नीचे दब रहे थे बहुत बुरी हालत थी तो दर्शन करके आ गए बारिश में भीग गए थे टी शर्ट चेंज किया अभी गाड़ी में आके तो अभी तो हमारा बन रहा है प्रेम मंदिर देखेंगे और एक इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पे वो देखेंगे तो चलो भाई तुम्हें भी दिखाते हैं अंदर तो फोन वोन इतना अलाउ नहीं था भाई भीड़ में फ़ोन निकाल भी नहीं सकता था क्योंकि देखो यार फूट जाता अभी 5-10 दिन पहले पहले ही आया है तो इसलिए फ़ोन नहीं निकाला ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की वृंदावन में हाँ मतलब करूँगा अभी आगे अभी चलती रहेगी चलो कहाँ जाए क्या करें देखो आज भीड़ ज्यादा ही है भाई चलो अंदर चलते हैं फिर मिलते हैं ये भीड़ है भाई देखो प्रेम मंदिर में भीड़ देखो अंदर आ गए हम अब अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर क्या क्या देखने का क्या क्या दर्शन करने का भीड़ तो जबरदस्त है यहाँ तो अब आगे चलते हैं तो मैं दिखाते हैं क्या है आगे बाहर था एंट्री गेट में भाई बहुत भीड़ है और अंदर मेरे को पता भी नहीं इसमें क्या क्या है अभी जो भी होगा आपको मैं दर्शन करता हूँ और दिखाता हूँ भाई अगर कैमरा अलाउ हुआ तो यही इधर से अपने मंदिर का भाई एंट्री गेट है भाई प्रेम मंदिर का ये उस साइड से आए थे अब ये मेन मंदिर के अंदर जाने का एंट्री गेट है यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं आप भी अंदर जा सकते हैं यहाँ से पीछे प्रेम मंदिर है भाई आ गए हम आखिर पहुंच गए भाई परेशान हो गए यार बहुत दूर उतार दिया रिक्शे वाले पैदल पैदल आए गाड़ी तो हमने पीछे गाड़ी करी दी थी देख लो भाई प्रेम मंदिर के अंदर है भाई
देखो पीछे मंदिर है, दिखाता हूँ आपको, अभी रुक जाओ पीछे, कृष्ण जी के दर्शन करवाता हूँ। हम प्रेम मंदिर भाई घूम के फिर के आ चुके हैं। प्रेम मंदिर भी इतनी भीड़ थी जितनी बाकी बिहारी जी के मंदिर में थी, बहुत परेशानी की झेलनी पड़ी हमें, तो झेल के आ चुके हैं। जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि मंदिर में भी कोई दीवार ढहने से कुछ वो गिरने से 5-6 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 लोग घायल हो गए। अब जैसे हम वहाँ से निकले, जस्ट 5-10 मिनट के बाद की घटना है, हम 6:30 के समथिंग वहाँ से निकले थे, वो घटना 6:45 के समथिंग हुई है। तो भाई थोड़ा ठीक ठाक क्रम कर रहा था, बचेगा अगर बुरा होता तो मरी जाता। तो चलो अभी हमारा प्लान बदल चुका है, अब हम यहाँ से सीधे अभी जयपुर के लिए निकल रहे हैं, अभी जयपुर के लिए निकल रहे हैं, चलते हैं, सुबह तक पहुँचेंगे। तो अभी इस व्लॉग को एंड सुबह ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। चलो भाई वृंदावन से हम सीधा निकल के हम पहुँचे हैं भाई जयपुर से 70 किलोमीटर पहले एक होटल पर खाना खाने के लिए। तो देखो ये होटल कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो और दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से होटल, यहाँ नीचे बैठ के देख तरीके से, ये हमारे भाई है अंकित, ऐसे बैठ खाओ आराम से, बढ़िया देखो बढ़िया बना रखी है भाई। चलो अभी खा के खाना खा के मिलते हैं आपसे। इस रात को आके 4 बजे सो गए थे, तो अभी उठ चुके हैं हम, तो इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। जब तक के लिए राम राम जी, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।